Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Ali Raza Sardar Ali, and this is Ali Raza. And after getting a lot of requests from you people, bahut saare logon ne mujhse kaha ki sir ek is tarah ka software bhi hona chahiye. Aapke samne screen pe aa raha hai restaurant management, right? So based on this request, I have finally decided to start a new lecture series on restaurant management system. Is software ke andar hum log jo hai wo एक पूरे रेस्टोरेंट को मैनेज कराएंगे और डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है वो इसमें हम कवर करेंगे. तो बेसिकली व्हेन वी स्टार्ट अ सॉफ्टवेयर, द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड हैव टू डू इज टू प्लान, राइट? आपने प्लानिंग करनी है, और बगैर प्लानिंग के अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करेंगे तो फिर आपके लिए आगे जाकर मसला होगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट वी कैन डू इन दिस रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम. लेट्स स्टार्ट. सो द वेरी फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू प्लान, राइट? नंबर वन, वी आर डूइंग प्लानिंग. फॉर दैट आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, नोटपैड यूज कर लें, पेपर यूज कर लें, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. तो प्लानिंग क्या करनी है आपने, आपके सॉफ्टवेयर में होगा क्या, व्हाट एरियाज और व्हाट प्रॉब्लम्स योर सॉफ्टवेयर इज डीलिंग विद, और व्हाट आर द रियल वर्ल्ड एंटिटीज इन योर सॉफ्टवेयर. सो व्हाट कैन वी हैव इनसाइड अ सॉफ्टवेयर, और व्हाट आर रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स शुड बी, तो वो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो यूज़र्स होंगे जो आपके इस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे, फिर आपके कस्टमर्स होंगे जो कि आपके पास खाना खाने आएंगे, और उसके बाद यू हैव द फूड जो कि आप ऑफर और देंगे, और क्या हो सकता है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आप जितनी चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर के अंदर हो सकती हैं वो आपने पहले एक थॉरली उसके बारे में सोचना है, और उसके बाद यहाँ पर लिख देना है ताकि आपके एक प्लान चलता रहे और उसके हिसाब से आप फिर काम करें. उसके बाद फूड होगा, फूड के बाद ऑब्वियसली बात है ये फूड मेन्यू के अंदर आएगा, सही है? फूड की जो है वो कैटेगरीज होंगी कि भाई कौन कौन सी कैटेगरीज के फूड हैं आपके पास, चाइनीज़ है और देसी आइटम्स हैं और इटालियन है. अच्छा, यूज़र्स की अगर बात करें तो यूज़र्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उनके रोल्स हैं, ठीक है? तो आप रोल्स भी ऐड करेंगे, और उन रोल्स से यूज़र्स बिलोंग कर रहे होंगे कि भाई ये एडमिन यूज़र है या फिर ये स्टाफ है या ये कौन है, हम वो भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. फूड है तो फूड की कैटेगरीज हैं, ऑब्वियसली बात है कैटेगरी जो है वो पहले आ रही होगी, और फिर जो है वो कैटेगरीज ऑफ फूड, लेट्स से कि कौन कौन से फूड यू हैव, और उसके बाद द एक्चुअल फूड और द आइटम्स यू आर प्रोवाइडिंग, एंड देन यू आर टेकिंग ऑर्डर्स. ऑब्वियसली बात है ऑर्डर की टाइप्स आपके पास, ऑर्डर कौन कौन सी टाइप्स के हैं, टेक अवे है, डाइन इन है. देन यू हैव योर रेस्टोरेंट फ्लोर्स, आपका रेस्टोरेंट अगर मल्टीपल फ्लोर्स पे है तो वो फ्लोर्स भी आप यहाँ पे मैनेज कराएं. तो मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने का सोच रहा हूँ जिसके अंदर आप एक पूरा का पूरा रेस्टोरेंट अलॉन्ग विद आप उस सॉफ्टवेयर से ये भी बता सकें कि कौन सी टेबल मेरी फ्री है, कौन सी टेबल बिजी है, कौन सी मेरे पास कितनी 6 सीट्स वाली टेबल्स हैं, कितनी 4 सीट्स वाली टेबल्स हैं, कितनी 2 पर्सन के लिए टेबल्स हैं, और कौन सी अवेलेबल है, कौन सी बिजी है. फॉर दैट पर्पज़ आई हैव टू मैनेज द रिकॉर्ड, सही है? तो उन रिकॉर्ड्स को लेने के लिए आपके पास ये अलग अलग चीज़ें जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं आपके रेस्टोरेंट में वो होनी चाहिए. सो योर रेस्टोरेंट शुड हैव फ्लोर्स एंड योर रेस्टोरेंट शुड हैव लेट्स से टेबल्स. आप उसके अंदर टेबल्स भी होंगी, उन टेबल्स के ऊपर फिर उनकी चेयर्स भी होंगी, मतलब चेयर्स की कितनी क्वांटिटी है. तो जितना आप डेप्थ में जाकर सोच सकते हैं आप सोचेंगे. अ वेरी ब्यूटिफुल सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर इन विच यू हैव डन एट मोस्ट थिंकिंग एंड एनालिसिस बिफोर स्टार्टिंग इट, राइट? सो इसी वजह से ये एनालिसिस फेज आपके सामने मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये चीज़ें भी तो हो सकती हैं इसमें. अच्छा, चेयर्स हो गई, ऑर्डर्स हो गए, सारा फ्लोर्स हो गया, अब उसके बाद आपके पास जो है वो और इसमें क्या हो सकता है. ऑलराइट, सो आई थिंक यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं. अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट बनाना चाह रहा हूँ जो कि ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट मैनेजमेंट नहीं होगा, बल्कि हम इसमें एक ऐसा काम करेंगे जो कि अब तक नहीं होता हुआ आ रहा, और वो ये काम है कि हम वेटर फ्री रेस्टोरेंट मैनेजमेंट बनाएं. मतलब आपके हर रेस्टोरेंट के टेबल के ऊपर एक जो है वो स्क्रीन लगी हुई होगी, और जिसके ऊपर आप वो टच स्क्रीन भी हो सकती है, वो ऑब्वियसली बात है वो टच स्क्रीन होगी, और उसके ऊपर जो है वो आपका मेन्यू आ रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट, और उसमें से जो भी कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आएंगे तो फिर वो उस मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे और अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे. तो दैट वाज़ द बेसिक आइडिया जो कि हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं. सो अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को मुख्तलिफ मिलेगी, और ये एक नया फीचर है जो कि हम लोग इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं इसमें, ठीक है? तो वेटर ऑर्डर नोट करने के बजाय
आपके पास एक बंदा वहाँ असिस्टेंस के लिए खड़ा होगा, अगर किसी को वो सॉफ्टवेयर या टूल या फिर वो स्क्रीन नहीं चलाना आ रही तो आप गाइड कर सकते हैं कि सर मैं आपको आपका ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ इस स्क्रीन के हिसाब से, तो ऐसा हम करवा सकते हैं, ना कि आपका वेटर जो है वो वहाँ पर या जो भी वो सर्विंग पर्सन होगा वो वहाँ पर मौजूद हो, ऐसा नहीं होगा। हाँ ये है कि ऑर्डर कोई लाकर आपको सर्व कर देगा, इस तरीके से काम हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर लेने के लिए जो है वो हम कोई स्पेसिफिक जो है वो बंदा नहीं रखते, ऐसा भी पॉसिबल है हम डायरेक्टली जो है वो स्क्रीन से मेन्यू प्लेस कर दें, ठीक है, लेकिन वेटर वहाँ पे मौजूद होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ह्यूमन रिसोर्स ख़त्म कर दें, इट इज़ अ वेरी बैड थिंग कि आप ह्यूमन रिसोर्स कम कर दो, ह्यूमन रिसोर्स बिल्कुल होनी चाहिए बिकॉज ऑर्डर ऑटोमेटिकली रॉबोट तो लाएगा नहीं आपके पास, देयर शुड बी अ पर्सन हु कैन ब्रिंग द ऑर्डर और हु कैन लिसन टू योर क्वेरीज, मशीन कांट लिसन टू योर क्वेरीज, सो वेटर इज देयर बट वी कैन ऐड एन एक्स्ट्रा फीचर दैट यू कैन प्लेस योर ऑर्डर बाय सिटिंग ऑन द टेबल एंड जस्ट गिव योर ऑर्डर, सो दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। ओके सो रोल्स यूजर्स ऑल दीज, नाउ वी हैव टू क्रिएट डेटाबेस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स जो आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके साथ साथ फिर हम लोग एप्लीकेशन पे भी जाएंगे। सो लेट्स गो टू आर एसक्यूएल सर्वर, और यहाँ पर हम लोग जो है वो एक नया डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे पहला हमारा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू क्रिएट योर डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, RMS। द थीम विल बी द सेम जो कि आप लोग प्रीवियस हमारे जो लेक्चर सीरीज चली है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो थीम हमारी वैसी रहेगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इफ़ यू आर माई रेगुलर फॉलोअर्स और आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरे ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, तो गाइज मैं उसमें भी बताता चलूँ कि अ सॉफ्टवेयर कांट बी कम्प्लीटेड अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास कम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स और सारी एनालिसिस ना हो। तो मैंने जो 25 लेक्चर्स और 24 लेक्चर्स बना के रखे हुए हैं वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, अब उसमें आप एक्स्ट्रा फीचर्स डालकर उसको अपने एतबार से कम्प्लीट कर सकते हैं। दैट्स वाई आई एम नॉट क्रिएटिंग फर्दर वीडियोज़ ऑफ दैट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, बट अगर मौका लगा और ऐसी कोई चीज़ हुई तो मैं इंशाल्लाह उनकी वीडियोज़ भी ज़रूर बनाऊँगा, सही है। सो आज से हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलें हम ये अपना डेटाबेस फर्स्ट क्रिएट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट। तो मेरा डेटाबेस जो है वो RMS के नाम से बन चुका। नाउ आई एम यूजिंग दिस डेटाबेस, यूज RMS एंड देन एग्जीक्यूट दिस कमांड ऑल्सो। तो देखें यहाँ पर मेरे पास RMS लिखा हुआ आ रहा है, अब मुझे इसके अंदर टेबल्स बनाने हैं, तो टेबल्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो आप टेबल बनाने की क्वेरी लिखूंगा और उसके बाद सारे उसके जो है वो काम करूंगा, ठीक है। पिछले ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर मैंने लिंक यूज़ किया था, यहाँ पर भी हम लोग लिंक को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस डेटाबेस के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम और नए तरीके से काम करें, हम स्टोर प्रोसीजर्स भी ना बनाएं, सही है। डेटा लेने के लिए और डेटा क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए हम स्टोर प्रोसीजर्स भी ना बनाएं, बल्कि विदाउट स्टोर प्रोसीजर्स और डायरेक्ट लिंक को सिर्फ इस्तेमाल करते हुए हम लोग डेटा को इंसर्ट वगैरह करवाएं, सही है। सो लेट्स राइट द क्वेरीज और टेबल जो भी आप लोगों ने बनाने हैं, और उसके बाद फिर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सो वेलकम बैक, लुक गाइज, आई हैव क्रिएटेड अ टेबल विद द नेम रोल्स एंड आई हैव डिफाइंड टू थिंग्स इनसाइड दिस, टू कॉलम नेम्स बेसिकली, रोल ID दैट इज ऑफ टाइनी इंटीजर बिकॉज रोल्स आर नॉट सो मच, द लेंथ और द रेंज ऑफ टाइनी इंटीजर डेटा टाइप इज 0 to 255, सो आई डोंट थिंक देर आर सो मैनी रोल्स इनसाइड आर डेटा बेस, इट मे बी 10-20 रोल्स, मे बी मोस्ट एट मोस्ट वी हैव 10 रोल्स 20 रोल्स नॉट मोर देन दैट, so that's why I have taken tiny integers to minimize the space of my database, and then it is identity and it is also primary key, identity means it is an auto increment column, automatically jo hai wo id yahan par add hogi and then we have the role name, so I am executing this query, commands completed successfully, now my first table is created, and then I have also created another table with the name users, so user id it is integer not null, sorry, it is integer not null, primary key also identity, and then username, and then sorry the name of the actual name of the user, and then the username of that user, and it is unique because usernames can't be similar but the names can be similar, so that's why I haven't applied unique constraint here, say username unique ho sakta hai, user ka naam jo original name hai wo unique nahi ho sakta, let's say there can be two elevators or two managers, okay, so there are something like that, so password then and then phone number and then address and then role ID, why role ID, because I have mapped the
users table and the roles table with each other. So if I talk about the cardinality, what is cardinality? The relationship between the two tables. I have to create the relationship. So one role can have many users, like the managers are many inside one restaurant. This is that manager, this is that manager. So there are multiple managers within one role, and there are multiple waiters within one role. Waiter is a role. Okay, there are multiple staff, multiple you can say admins or whatever roles you have. So one role can have many users. That's why the primary key of this roles table will become the foreign key inside this users table. Okay, the user belong to which role, you have to specify that. Bhai kaun sa role kis user ka hai, wo aapko lena to padega na front end pe. To aap bajaye role ka naam store karwane ke, aap role ki id store karwa rahe ho users ke table mein, right? To ye ek simple sql hai, sql ke upar aap logo ne kaam kiya hoga, I hope so. So tiny integer, because yahan par bhi maine isko tiny integer liya hai aur isko not null rakha hai, foreign key rakha hai, aur us pe maine constraint set kar diye hain ke when you delete role and if that role holds the data inside users table, that means ke agar maine ek manager ka role delete karna hai aur users ke table mein manager maujood hai koi, to delete nahi hone dega sql server. Is that clear? Ke ye jo maine likha hai na on delete no action, that means ke jab role delete karoge aur us role ke upar koi banda maujood hoga users ke table mein, to fir wo delete nahi karne dega. Aap sare pehle users delete karoge jo role manager se belong karte hain, aur uske baad fir aap us role ko delete kar sakte ho kyunki uska matahat koi banda maujood nahi hai. Theek hai, to ye jo hai wo normal kaam tha, aur uske baad on update no action. Matlab agar aap yahan par role ki id change karne ki baat kar rahe honge, to role ki id change nahi hogi until and unless ki users ke table mein se aap sare roles na, matlab users ke table mein se sare us role se belong karne wala data uda na de ya change na kar le. I hope ye baat aap logon ko samajh mein aa gayi hogi. Okay, now this is a basic start of our restaurant management system. Now moving forward, Visual Studio. I'm creating a new project today. Most of the people might wondering why I am creating new video series every time on a desktop application. Desktop application is a very what can we say, basic need everywhere. If we look around, especially in Pakistan, we have many businesses that are not operating any software, that are not running any software for them. So basically, to run in a small business or to target small businesses, small shops and small area, so you can use this desktop application and you can connect this desktop application to an online database also. So isme masle ki baat nahi hai ki aap desktop application hai to aap web pe isko nahi le ja sakte, aap bilkul isko web pe le ja sakte hain by putting your database on a web platform. Microsoft Azure pe aap upload kar sakte hain, there are other channels jahan pe aap apna database online rakh sakte ho, aur fir kisi aur location se bhi aap apne us database ko access karke data fetch कर सकते हैं, जो कि हम लोग वेब के जरिए कर रहे होते हैं, सही है ना? तो डोंट वरी अबाउट दैट. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन एंड आई एम गिविंग इट अ नेम रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड द डिफॉल्ट लोकेशन इज दिस एंड देन क्लिक ओके. गाइस, लाइक अदर लेक्चर सीरीज वी हैव सीन, यहां पर भी हम पहले अपनी बेस बनाएंगे, द आर्किटेक्चर फेज टू. यहां पर जो आप फेज टू बनाएंगे, डिजाइन, राइट, डिजाइन, और उसके अंदर आपकी जो चीज सबसे पहले आएगी वो है आर्किटेक्चर. ठीक है, तो आर्किटेक्चर आपने पहले सेट करना है, क्योंकि बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी स्ट्रक्चर होगा तो फिर उसके ऊपर सारा सॉफ्टवेयर लाए करेगा. तो सबसे पहले आर्किटेक्चर के लिए हम क्या करेंगे, हम इस विंडो को इसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से सेट करेंगे. सबसे पहले तो आप फॉन्ट चेंज कर दें इसका, और इसका फॉन्ट मैं रख रहा हूँ सेगो UI, राइट. और उसके बाद इसका साइज मैं बाई डिफॉल्ट रख रहा हूँ 9, और इसका जो बैक कलर है इसको मैं कर रहा हूँ वाइट, और इसका फॉन्ट कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, और इस फॉर्म के ऊपर मैं कोई हेडिंग नहीं लगा रहा, राइट. ठीक है, और इस चीज़ को, इस फॉर्म को मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ. यहाँ से नाम चेंज करने के बजाय आप इस फॉर्म को यहाँ से रीनेम कर दें, राइट क्लिक, रीनेम इट टू सैम्पल. मैं यहाँ पर इसको एक नाम दे रहा हूँ सैम्पल. जैसे ही आप इसको सैम्पल करेंगे, ये कह रहा है कि जहां जहां आपने फॉर्म वन यूटिलाइज किया हुआ है वहां वहां उसको रीनेम कर दूं. यस, यू हैव टू रीनेम एवरीवेयर वेयर योर फॉर्म इज. तो आपके पास ये जो सारा का सारा फॉर्म है, लुक, एवरीथिंग इनसाइड दिस इज कन्वर्टेड इनटू सैंपल नेम. ओके,
Now what? This is a sample screen, and inside this sample screen you have to put some base things. What are that bases? हम लोगों ने पहले भी देखा है. We'll select panels and another panel. Make this panel dock left and make this panel dock fill. Now the width of this panel should be 200, so make it 250, almost like this. Okay, तो आप ये एक बेस बना रहे हैं. उसके बाद मेक दिस पैनल कलर, गिव इट अ नेम लेफ्ट पैनल एंड गिव दिस पैनल अ नेम राइट पैनल. और उसके बाद जो है वो आप यहां पर क्या करेंगे, दो पैनल और लेंगे. टेक अनदर पैनल, कॉपी दिस पैनल एंड पेस्ट इट एंड पुट इट हियर. सेलेक्ट बोथ दीज बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड मेक डॉक टॉप. सही है. और इनकी जो आप विड्थ रखेंगे वो हाइट या विड्थ, हाइट जो होगी इनकी वो कुछ इस तरीके से मैंने सेट कर दी है. ठीक है, तो इसकी जो हाइट आ रही है वो 40 आ रही है, मतलब 52 आ रही थी, मैं इसको 40 कर दूंगा. और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, 40 कर दूंगा. दीज आर माई सेटिंग्स. इफ यू विश टू मेक इट मोर हाइट वाइज मोर लार्जर यू कैन डू दैट. सो मूविंग फॉरवर्ड, आफ्टर क्रिएटिंग द बेस डिजाइन, नाउ इट्स टाइम टू चेंज द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर लेफ्ट पैनल. For that, because to create a theme, I have to provide some color. For restaurant management, let me select some unique color. Let us take, let's say, this color, but this is a very light color. Let me take some. Okay, so finally, I have selected the steel blue color. I'm wondering that this, the height of these two panels are very, is very low, so make it different size. Sorry, select one by one. Size and the height should be, let's say, 45. It's better, and it should be also 45. So now it's very, very much manageable. Now this is my first window, and this is my base window, right? Now I'm creating another window for this project. Right click, add Windows form, and give it a name sample 2, and then please add and right click on it and do inherit here. Do inherit here, because inheritance is one of the most important concept in object oriented programming. So by default the form class is inheriting here. Just inherit with the parent class sample that you have just created. So just without doing anything, just come here and change its parent class from form to sample. And when you come here, look what will happen. It is not getting the things. No problem. Just save this and build this program. When you build this program, all the settings that I have applied will appear here automatically. Build this, rebuild this, and then close this sample 2 and then open it again. Look, you get everything without doing anything. Now what to do here? Take another panel. Alright, inside this panel, okay, look, the panel is not appearing because this left panel and this right panel both are hidden by default or protected by default. So how can you make them enable? So come to your sample window first and click on both of your panels. Go to your solution explorer and go to its designer, and then look, your controls are private by default, if you notice here. So left panel and right panel, panel 1 and panel 2. Where are my panel 1 and panel 2? Let me open this. This is my panel 1 and this is my panel 2. Okay, so I am going to take left and right panel as public. So panel 1, instead of making it private, I am using it left panel as public and right panel as private. Sorry, public as well. See. तो अब दोनों चीजें क्योंकि पब्लिक हो गई हैं, तो आप इसको आप करें बिल्ड. बिकॉज यू आर इन एन इनहेरिटेंस मोड, और इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास की चीजें एक्सेसिबल तो होती हैं, बट आप यूज नहीं कर सकते उनको, क्योंकि अब मैं इसको बिल्ड कर चुका हूं. और अब जब मैं सैंपल 2 पे आऊंगा तो यहां पर मेरे पास लॉक नहीं है, और सारी प्रॉपर्टीज देखें इनेबल हो गई हैं. पहले ये चीजें इनेबल्ड नहीं थी. नाउ आई एम एबल टू प्लेस अनदर पैनल ऑन दिस सैंपल 2. लुक, अब ये यूजेबल है. और इसको मैं कहां इस्तेमाल करूंगा, इसको मैं यहां पे करूंगा डॉक टॉप. आई एम प्लेसिंग इट एज द विंडो हियर एंड देन आई एम टेकिंग अनदर कंट्रोल
टेबल लेआउट पैनल एंड प्लेसिंग इन दिस पैनल, दिस टेबल लेआउट पैनल, ओके। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसको भी आप कर देंगे डॉक फिल। अब डॉक फिल करने के बाद टेबल लेआउट पैनल को आप जो है वो यहाँ पे आएंगे और रिमूव लास्ट रो, आप लास्ट रो रिमूव कर देंगे और उसके बाद ऐड कॉलम्स 1, 2, ये चार कॉलम्स हो गए, पांच कॉलम्स आपने यहाँ पे ऐड करने, यू कैन ऐड मैनी एज योर रिक्वायरमेंट्स आर। एडिड रोज एंड कॉलम्स एंड नाउ गिव योर कॉलम्स एंड रोज अ परसेंटेज ऑफ इक्वल परसेंटेज, लेट्स से 50%, राइट, एंड गिव योर कॉलम्स एंड रोज, लुक एक ही रो है तो 50% ही आ रहा है उस पर, ओके। सो नाउ आई हैव डिवाइडेड माई दिस टेबल लेआउट पैनल इन टू इक्वल कंपार्टमेंट्स एंड द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज टू प्लेस बटन्स, ओके। दिस इज माई वन बटन, आई एम गिविंग इट, आई एम नॉट गिविंग राइट नाउ एनी नेम, बट लेट मी चेंज इट्स अपेयरेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड टू फ्लैट एंड चेंज इट्स बॉर्डर साइज टू 2 एंड यू कैन चेंज द बॉर्डर कलर एज वेल एंड इट्स फोर कलर, द फोर कलर ऑफ द बटन शुड बी लेट से द स्लेट, जो कलर आप लोगों ने रखा है वहाँ पे दैट इज स्टील ब्लू, राइट, ओके। सो सेलेक्ट स्टील ब्लू, तो कलर आपके पास जो है वो उस तरीके से आपके बटन्स के हो जाएंगे, फॉर कलर आपने सेट कर लिया, बॉर्डर कलर भी उसके हिसाब से आ गया। नाउ कॉपी दिस बटन एंड पेस्ट इनसाइड योर पैनल्स, कंट्रोल वी प्रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आखिर में मुझे बटन नहीं चाहिए तो मैं रिमूव कर दूंगा। नाउ सेलेक्ट ऑल योर बटन्स, कॉपी सेलेक्ट ऑल योर बटन्स बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड देन यहाँ पर आपने इन सबको क्या करना है, डॉक फिल कर देना है, डॉक फिल, राइट। डॉक आफ्टर डॉक फिलिंग इट आई एम टेकिंग ग्रुप बॉक्स एंड आई एम प्लेसिंग दिस ग्रुप बॉक्स हेयर और इस ग्रुप बॉक्स का नाम कंट्रोल यहाँ पे जो कलर है वो मैं स्टील ब्लू कर दूंगा और इस ग्रुप बॉक्स पे मैं लिख दूंगा सर्च, राइट। तो मैं एक ग्लोबल पैरेंट विंडो बना रहा हूँ जिसको मैं यूटिलाइज करूंगा अपने आने वाली विंडोज के लिए और इसके अंदर जो है वो हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे अपना। सो आई एम टेकिंग अ टेक्स्ट बॉक्स हेयर एंड दिस टेक्स्ट बॉक्स शुड बी डॉक फिल और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम रख देते हैं सर्च टेक्स्ट, राइट, सर्च टेक्स्ट एंड देन अब देखें टेक्स्ट बॉक्स यहां से कट रहा है। सो सेलेक्ट योर पैनल, लुक द पैरामीटर्स द मार्कर्स आर नॉट कमिंग हियर, सो गो टू योर डॉक्यूमेंट आउटलाइन एंड सेलेक्ट योर पैनल फ्रॉम हियर, लुक नाउ द मार्कर्स आर अपीयरिंग हियर एंड मेक इट लाइक दिस सो दैट इट कैन बी कंप्लीटली विजिबल। सो दिस इज हाउ यू कैन एडजस्ट द हाइट एंड विड्थ ऑफ द पैनल फ्रॉम डॉक्यूमेंट पैनल। नाउ सेव दिस ऑल एंड चेंज द नेम ऑफ दीज बटन्स विद एड एंड गिव अ नेम हियर और गिव हियर ampersand। लुक इफ आई जूम इट हियर यू नोटिस एन अंडरस्कोर इज अपेयरिंग और अ लाइन इज अपेयरिंग बीनीथ ए, व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज निमोनिक्स एंड निमोनिक्स मीन्स व्हेन यू होल्ड योर ऑल्ट की एंड प्रेस ए यू विल बी योर दिस कंट्रोल विल बी फोकस्ड, यू विल जंप नो मैटर वेयर आर यू, यू विल बी जंप्ड ऑन दिस कंट्रोल व्हेन यू प्रेस ऑल्ट ए, ओके। जस्ट प्लेसिंग एन ampersand बिफोर द नेम ऑफ द टेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड जस्ट लाइक दिस वी हैव दिस बटन एज एडिट बटन, सो ampersand एडिट, लुक देन दिस इज माय सेव बटन, सो ampersand सेव, बी केयरफुल ऑन सिमिलर alphabets, let's say if you have multiple alphabets starting from S, then what you will do? So select some other alphabet for that, okay? And then the last thing we have, delete. So all alphabets are starting from different letters, and then we have search. So you can place any particular mnemonic here as well. So look, search and save both are same. So what you will do? You will do let's say place ampersand here. Look, so when you press Alt R, you will be focused on this particular control. So hopefully this is clear. Now I have to remove this heading sample, and one more thing I have to do is the control box of this window should be removed. सही है? आपने इसका control box remove कर दिया है, और यहाँ से इन विंडोज का भी आप कंट्रोल बॉक्स रिमूव कर सकते हैं, सही है ना? इन विंडोज का भी आप कंट्रोल बॉक्स यहां से रिमूव कर दें। वैसे अगर आप यहां से रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां से भी रिमूव हुआ वही होगा बिकॉज दिस इज सैंपल। सो कंट्रोल बॉक्स
is false. Save it, build it again. तो जो जो आपने चेंजेस किए हैं वो सैंपल टू में भी आपको वहां पर विजिबल हो रही होंगी. आई होप अप टिल नाउ आपको ये क्लियर है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इनसाइड सैंपल, वी हैव टू टेक अप लेबल हेयर और इस लेबल को यहां प्लेस कर देते हैं सैंपल के अंदर. देखें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कलर जो इस पैनल में आ रहा है, जो लेफ्ट पैनल है मेरा, यहां से सिलेक्ट कर लें लेफ्ट पैनल. सो माई लेफ्ट पैनल डिफॉल्ट कलर शुड बी वाइट. ओके, माई लेफ्ट पैनल डिफॉल्ट कलर शुड बी वाइट एंड माई राइट पैनल, सॉरी ये तो मेरा, मैंने जो अब जो राइट पैनल सेलेक्ट करना है और इस राइट पैनल का डिफॉल्ट कलर होगा स्टील ब्लू. राइट, ताकि यहां के कलर्स अलग हो, वहां के कलर्स अलग हो. वन टाइम ये सारी मेहनत कर लें, जितनी भी आगे विंडोज बनेंगी वो फिर इसी के क्राइटेरिया के ऊपर बनेंगी. सेव कर लिया आपने इसको. ये जो लेबल है ये मैं कहां काम कर रहा हूं, सैंपल में, माय वेरी फर्स्ट विंडो सैंपल. इसको आप नाम दे दें वेलकम कॉमा, और इसका फॉन्ट साइज आप इंक्रीज कर लें टू 14 एंड मेक इट्स ऑटो साइज फॉल्स एंड डॉक इट टू राइट, सेलेक्ट लाइक दिस एंड मेक इट्स वर्टिकल अलाइनमेंट टू सेंटर. सो टेक्स्ट अलाइन, इग्नोर दिस एरर, नो प्रॉब्लम बिकॉज वी आर इन इनहेरिटेंस मोड. सो वर्टिकल राइट, सही है. तो मैंने इसको वर्टिकल राइट पे कर दिया है. आप अगर फॉन्ट कोई और भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, इट्स अप टू यू. राइट, अच्छा अगर मैं यहाँ पर अपने पूरे फॉर्म को सिलेक्ट करूँ और इसको सेगोई यूआई लाइट कर दूँ तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. सेगोई यूआई लाइट, ओके, एवरीथिंग बिकम्स दिस सेगोई यूआई लाइट. और उसके बाद इसको आप यहाँ पे दोबारा से मिडिल राइट करें और इसको दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा तो चेंजेस टेक प्लेस हो जाएंगी. ठीक है, चेंजेस विल टेक प्लेस व्हेन यू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट अगेन, बिल्ड. ठीक है ना, अब इसको क्लोज करके जो है वो सैंपल को दोबारा से आप ओपन करें सैंपल विंडो एंड देन सेलेक्ट योर दिस पर्टिकुलर, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन, ऑटो साइज फॉल्स एंड देन यू हैव टू मेक इट. ओके, सो मेरा ये जो वेलकम वाला बॉक्स था मैंने इसको कर दिया डॉक फिल, चेंज कर दिया थोड़ा सा, और इसकी जो है वो इसको रिमूव करके दोबारा से लगा दिया क्योंकि वो सेट नहीं हो रहा था, इस वजह से इसको रिमूव करके आप भी दोबारा लगा लीजिएगा. तो वेलकम आ गया. उसके बाद आप दोबारा से जो है वो एक लेबल ले लें और इस लेबल को रखें इस पैनल में, सही है, और इस पैनल में आप इसको कर दें डॉक फिल, और डॉक फिल करने के बाद ऑटो साइज फॉल्स, और उसके बाद इसको कर दें टेक्स्ट लाइन को मिडिल सेंटर, और इसका भी साइज आप कर दें 15. राइट, तो कंट्रास्ट आ गया आपके पास, और यहां पर आप लगा दें डॉट 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 या फिर वेलकम यूजर कर लें. फिलहाल हम रन टाइम के ऊपर जो है वो फिर बाद में यहां पर यूजर का नाम डिस्प्ले करवा देंगे. तो ये तो हो गया हमारा काम यहां तक. आई हैव बिल्ड इट. अब जब मैंने सैंपल को बिल्ड कर दिया, जब मैं सैंपल टू ओपन करूंगा तो मेरे पास वेलकम यूजर लिखा हुआ आ रहा होगा परफेक्टली, सही है. अब एक और चीज भी आपने यहां पे करनी है, सैंपल के अंदर जाकर, सॉरी सैंपल टू के अंदर जाकर एक पैनल और लेना है और इस पैनल को कर देना है डॉक टॉप. जब आप इसको डॉक टॉप कर देंगे तो फिर ये यहां पर आ जाएगा इस तरीके से, ताकि एक कंपार्टमेंट लेवल हो जाए आपके पास, ताकि डिजाइनिंग आपकी सारी यहां पर हो. तो सैंपल टू भी हमारे पास रेडी है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to go and create a main container for our software. So what we have done here, we have designed a base architecture. Now let's go to our project, right click, add and windows form, and the name of my form will be MDI parent form, right, multiple document interface form. Is form ko main kuch bhi nahi karunga, simple yahan par aaunga aur is form ko main iske jo is MDI ki property hai usko true कर दूंगा. इज एमडीआई कंटेनर ट्रू, सो दिस इज माई बिकम माई दिस विल बिकम माई एमडीआई कंटेनर. और क्योंकि ये मेरा पेरेंट कंटेनर है तो इसको मैं कैसे खुलवाऊंगा, स्टार्ट पोजिशन सेंटर सेंटर स्क्रीन एंड विंडो स्टेट विल बी मैक्सिमाइज. तो बाय डिफॉल्ट मेरा ये फॉर्म मैक्सिमाइज खुलेगा. राइट, अच्छा मैक्सिमाइज तो खुलेगा. अब यहां पर मैं एमडीआई के बजाय इसकी जो
फॉन्ट फैमिली है, इसके ऊपर मैं कोई इनहेरिटेंस नहीं कर रहा फिलहाल, इसको मैं ऐसे ही सेपरेटली रख रहा हूँ बिकॉज इस पर मैं कोई डिजाइनिंग नहीं कर रहा। सिगो यू आई लाइट, द फॉन्ट साइज इज 9, सही है। सो दिस इज माई एम डी आई विंडो एंड द बैक कलर शुड बी वाइट। वो यहाँ पे चेंजेस टेक प्लेस नहीं होंगी बिकॉज दिस इज अ कंटेनर एंड द फोर कलर शुड बी लीव इट ब्लैंक, लीव इट टू ब्लैक। नाउ टेक अ मेन्यू फ्रॉम द मेन्यूज एंड टूल बार्स ऑप्शंस, मेन्यू स्ट्रिप, प्लेस इट ऑन द टॉप, राइट सम डेटा हेयर फाइल एंड देन राइट हेयर लॉग आउट एंड एग्जिट। सो दीज आर सम मेन्यू आइटम्स दैट आई हैव क्रिएटेड, प्लेस सम शॉर्टकट्स, शॉर्टकट कीज लेट्स से कंट्रोल एंड व्हेन यू प्रेस एल देन इट विल बी लॉग आउट एंड देन शॉर्टकट कीज ऑल्टर एंड F4, जो कि हमारे पास डिफॉल्ट शॉर्टकट होता है किसी भी विंडो को बंद करने का, ऑल्टर F4, राइट। तो एग्जिट के ऊपर डबल क्लिक कर लें आप और सबसे पहला कोड जो आप यहां लिखने जा रहे हो वो यही है कि जब आपकी ये एप्लीकेशन एग्जिट पे क्लिक होगा तो एप्लीकेशन डॉट एग्जिट हो जाएगी, सही है। सो दिस इज द मेथड दैट आई हैव कॉल्ड व्हेन आई हैव क्लिक ऑन माय एग्जिट बटन। वील डू लॉग आउट कोडिंग लेटर। आफ्टर दिस ऑन लोड आई शुड हैव अ विंडो, आई शुड हैव अ विंडो दैट विल बी ओपन ऑन दिस व्हेन आई ओपन दिस विंडो MDI। लेट्स गो टू आवर प्रोग्राम डॉट CS फाइल एंड सी विच इज माई वेरी फर्स्ट विंडो। द वेरी फर्स्ट विंडो इज सैम्पल बिकॉज दिस वॉज क्रिएटेड वेरी इन द बिगनिंग, सो मेक इट MDI हियर, ओके। सो नाउ माई फर्स्ट विंडो विल बी माई MDI विंडो। नाउ आफ्टर एडिंग MDI विंडो डबल क्लिक ऑन इट एंड कम टू द लोड ऑफ द MDI। कि वैन जब आपकी MDI की विंडो लोड होगी तो कौन सी विंडो खुलेगी, तो उसके लिए जो है वो अब हम लोगों ने दो विंडोज और बनानी है, एक लॉग इन की विंडो और दूसरी सेटिंग्स की विंडो, ताकि हम वन टाइम जो है वो अपने डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग्स वगैरह भी सेट करवा सकें, राइट। तो राइट क्लिक करें और ऐड करें न्यू आइटम विंडोज फॉर्म और मैं यहां पे लिख देता हूं उसको लॉग इन स्क्रीन, राइट। ये मेरी लॉग इन स्क्रीन होगी। अब इसके ऊपर भी मुझे डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कम हेयर एंड व्हाट टू डू प्लेस सैंपल, सैंपल टू नहीं लूंगा बिकॉज लॉग इन में मुझे ऐड एडिट डिलीट की तो जरूरत है नहीं, तो मैं सिंपल सैंपल ले रहा हूं यहां पे, ठीक है। और इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद आप अपनी लॉग इन स्क्रीन पे आए, देखें मेरे पास पूरी की पूरी लॉग इन स्क्रीन तैयार है, ठीक है ना। इसको आप इसकी हाइट वगैरह इंक्रीज कर लें अपने हिसाब से, जैसा आपको मुनासिब लगे उसके हिसाब से आप कर लो। इसकी हेडिंग को आप कह दें जो है वो लॉग इन और सेव कर लें इसको और देखें इसके ऊपर कंट्रोल बॉक्स वगैरह नहीं आ रहे, कोई भी सेटिंग नहीं आ रही क्योंकि वो सैंपल से इनहेरिटेड है। नाउ जस्ट टेक समथिंग, दिस इज योर लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स एंड कॉपी दीज टू एंड पेस्ट बिलो दिस। इसको भी यहाँ पे आप सेट कर लें अपने हिसाब से और उसके बाद यू नीड अ बटन, सो टेक अ बटन, बटन को अब इन सब की सेटिंग करनी है आपने, ठीक है। अच्छा इसकी विड्थ कितनी आ रही है आपके सामने, 214 आ रही है, सही है। तो मैं ये साइज़ बहुत कम लग रहा है तो मैं अपने सैम्पल में जाऊँगा और यहाँ पर इसकी विड्थ पे जाऊँगा क्योंकि मैंने फॉन्ट साइज़ फॉन्ट चेंज किया था, सिगो UI लाइट कर दिया था, उसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो गई है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा 250, सही है। तो 250 आपकी जो है वो विड्थ हो गई। अब आप यहाँ पर आकर इसको रीबिल्ड कर दें, जब रीबिल्ड कर देंगे लॉग इन स्क्रीन पर आएंगे, इसको बंद करें और इसको सेव करें और उसके बाद दोबारा लॉग इन स्क्रीन ओपन करें, बिल्ड रीबिल्ड एंड क्लीन सॉल्यूशन, ठीक है। बिकॉज इट इज एडजस्टेबल तो आप यहां से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने बाद में सेटिंग चेंज की है, इसको थोड़ा सा सेट कर लें अभी फिलहाल यहीं से कर लेते हैं, वैसे ही ऑटो अपडेट हो जाता है। मेक इट्स विजिबिलिटी टू लाइक दिस, अच्छा क्योंकि ये लॉग इन है तो इनको थोड़ा सा अच्छा सा कर लें और यहां पर आप ओके सो यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, राइट एंड दिस इज माय बटन, सो गिव इट अ ब्यूटीफुल नेम, लेट्स से लॉग इन एंड देन इट्स स्टैंडर्ड साइज टू फ्लैट एंड द बॉर्डर साइज शुड बी 2 एंड देन प्लेस इट right below this and then increase its size and like this, okay।
Now, if you notice here, the font in this is 9, and 9 is very small, so make it 10. Okay, username. Instead of doing here, you can go to your sample. No problem, don't worry about these errors. When you rebuild your project, it will become normal, right? So come here and instead of 9, make it 10. Okay, and look, again it will be changed to, the width is 250, make it 250, save here, and then rebuild your project. Save everywhere, control. Okay, there's some mistake. The changes I have should have to roll back somewhere. मैंने कोई changes ऐसी कर ली हैं जिसकी वजह से वो save नहीं कर रहा इस program को. Login को बंद कर दें, no कर दें, दोबारा open कर लें इसको. Login screen, इसको rebuild कर लें, clean build कर दें. So माई लॉग इन स्क्रीन वॉज नॉट अपियरिंग. आप क्या करें अपने विजुअल, कभी अगर ऐसा हो जब क्लीन करने के बाद, रीबिल्ड करने के बाद भी आपका प्रोजेक्ट नया खुल रहा हो, तो विजुअल स्टूडियो बंद करके खोल लें, तो वो सेटिंग्स जो है वो क्लियर हो जाती है कैशे में से. सही है, तो आपने जो है वो यहाँ पर फॉन्ट साइज भी 10 कर लिया है. लेट अस टेक इट समवेयर इन द मिडल एंड इंक्रीज द विड्थ. नाउ इट्स परफेक्टली लेबल्ड एंड देन प्लेस इट हेयर. And again, save these things and make it flat. And the appearance should be this. The size of the button should increase. ठीक है, तो ये हो गया. और यहाँ पर आप दे देंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड. गाइज, आई रिकमेंड यू टू डू यूज योर सेटिंग्स. मेरा एग्जैक्टली छापने की जरूरत नहीं है, तो आप अपनी सेटिंग्स भी कर सकते हैं इसमें. आप जो भी नाम रखना चाहें, जो भी चीज़ें रखना चाहें, उसके हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं. यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लॉगिन. ठीक है, दिस इज़ माय यूज़र टेक्स्ट, तो गिव इट अ नेम हेयर यूज़र टेक्स्ट एंड गिव इट अ नेम हेयर पासवर्ड टेक्स्ट और मेक इट द पासवर्ड बॉक्स यूज सिस्टम पासवर्ड कैरेक्टर. तो ये पासवर्ड बन जाएगा. ये आपके पास हो जाएगा लॉगिन बटन, लॉगिन बटन. और ये दोनों जो आपके पास हैं, इनकी देखें मैक्सिमम लेंथ कितनी है. मैंने यहाँ दे दिया 30, इससे बड़ा मैं टेक्स्ट इसमें लिख ही नहीं सकता. सही है, तो दीज आर ऑल कॉल्ड वैलिडेशंस. अच्छा, यूजर नेम लगा लिया, पासवर्ड लगा लिया, एक स्क्रीन आपकी ये रेडी हो गई. अब मैं एक और स्क्रीन यहाँ पर लगाने, एक और विंडो यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, और वो होगी मेरी सेटिंग्स की विंडो. तो राइट क्लिक, एड न्यू आइटम एंड विंडोज फॉर्म एंड राइट हेयर नेम सेटिंग्स एड. और इस सेटिंग्स की विंडो में भी आप क्या करेंगे, किसको कॉल करेंगे, सैम्पल को कॉल करेंगे, और उसके बाद सेव कर देंगे इसको. तो जब आप सेटिंग की विंडो पे आएंगे, तो आपके पास वही सारा सेटअप आपको मिलेगा. बट यहाँ पे जो आपका ये लेफ्ट पैनल है, इसकी साइज़ यहाँ पे 292 आ रहा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी मैंने फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दिया था. तो इट्स बेटर टू गो टू योर सैम्पल एंड रिमूव इट्स साइज़ टू 250 and save it and then build it. Build succeeded, settings, look, automatically छोटा हो गया. तो यही चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था. तो अब यहाँ पे परफेक्ट हो गया काम. अब जब भी आप नई विंडो बनाएंगे, तो इसी सेटिंग के ऊपर आ रही होगी. अच्छा, क्योंकि ये सेटिंग्स की विंडो है, तो यहाँ पर आपके पास एक लेबल होगा और एक टेक्स्ट बॉक्स होगा. इसको बल्कि यहाँ प्लेस करें आप थोड़ा सा ना, कुछ इस तरीके से. लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, और उसके बाद यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दें अनदर टेक्स्ट बॉक्स एंड अनदर टेक्स्ट बॉक्स. यू नीड फोर टेक्स्ट बॉक्सेस एंड लेबल्स, राइट? नाउ प्लेस इट वेरी केयरफुली विद इन ईच अदर. और उसके बाद ये आपके पास लाइन आ रही है इधर, और ये भी है, और उसके बाद ये हो गया. सही है, अब इन सबको आप नाम दे दें कि ये आपके पास जो है वो सर्वर की सेटिंग्स हैं. फॉर कनेक्शन स्ट्रिंग सर्वर नेम, और सिर्फ सर्वर लिख दें तो भी चलेगा, सर्वर. एंड देन व्हाट इट शुड बी, डेटाबेस, व्हाट विल बी द नेम ऑफ योर डेटाबेस. ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है,
जब आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ना, तो किसी भी पीसी पे करेंगे, तो वहाँ पर आपने सिंपल अपने क्या देना है, डेटाबेस का नाम देना है, सर्वर का नाम देना है, यूजर नेम पासवर्ड देना है, और आपका डेटाबेस उससे कनेक्ट हो जाएगा। दैट्स वाई वी आर क्रिएटिंग दिस विंडो। सो यूजर आईडी एंड देन द लास्ट थिंग इज पासवर्ड। तो इसको इसके हिसाब से सेट करें, पासवर्ड को भी इसके यूज़र। अच्छा, सब चीज़ें देखें उस लाइन के हिसाब से आ रही हैं ऊपर वाली के। तो इसको इस तरह से सेट करें ताकि हर चीज़ प्रॉपर रहे। अच्छा, अब ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ ले जाएं, थोड़ा सा मिडिल में लेकर आएं, ताकि जो है वो ये एकदम सेंटर आती रहें। अब डेटाबेस दे दिया, सर्वर नेम दे दिया, अब एक चेकबॉक्स आएगा आपके पास, क्योंकि SQL सर्वर जो होता है वो विदाउट विंडो SQL ऑथेंटिकेशन के भी लॉगिन हो जाता है, और SQL ऑथेंटिकेशन के साथ भी होता है। तो यहाँ पे आप लिख दें इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, और यहाँ लिख दें, बस काफ़ी है। इंटीग्रेटेड की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, और चेक लगाएंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। एंड नाउ लास्ट थिंग, वी नीड अ बटन। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अनदर बटन, कॉपी दिस बटन एंड पेस्ट इट हियर। सही है, तो आफ्टर लॉग इन यू हैव दिस सेव, राइट। और इसको सेव करने के ऊपर आपके पास ये विंडो आनी चाहिए। अच्छा, अब फॉर द पर्पस ऑफ टुडेज लेक्चर, हम लोग फिलहाल यहाँ पर MDI के लोड के ऊपर एक विंडो ओपन करवाना चाहते हैं जो कि MDI में खुले। लेकिन वो विंडो मैं किसी डायरेक्ट इस तरीके से नहीं करवा रहा, बल्कि मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ, एड क्लास, और इस क्लास का मैं नाम रख रहा हूँ मेन क्लास, राइट। इस क्लास के अंदर मैं कुछ फंक्शनैलिटीज़ बनाऊँगा, और फंक्शनैलिटीज़ बनाने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स, ताकि मेरे पास अपने फॉर्म्स की सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सेस हो सकें। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो विंडो, सही है। और इस शो विंडो के अंदर क्या होगा, जो विंडो मुझे खुलवानी है, तो फॉर्म ओपन विंडो, और जो विंडो खुलवानी है वो देंगे, जो विंडो बंद करवानी है वो देंगे, और क्लोज विन, और फॉर्म आपका MDI, सही है। एक तो फंक्शन ये होगा, और एक फंक्शन मैं और बना रहा हूँ इसी के जैसा, इसके नीचे, जिसके अंदर क्लोजिंग विंडो नहीं होगी, सिर्फ ओपनिंग विंडो होगी और MDI होगा। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हमारा सॉफ्टवेयर खुल रहा होगा उस वक्त विंडो तो कोई क्लोज नहीं हो रही होगी, दैट्स वाई आई हैव क्रिएटेड अ ओवरलोडेड वर्जन ऑफ बोथ। नाउ सबसे पहले तो क्या होगा, अगर क्लोजिंग विंडो है तो क्लोजिंग विंडो डॉट उसको क्लोज कर दो, सही है। जो भी मैं विंडो का ऑब्जेक्ट दूंगा वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद जो नई विंडो आएगी उसको मैं क्या करूंगा, ओपन विन डॉट विंडो स्टेट इक्वल टू फॉर्म विंडो स्टेट डॉट मैक्सिमाइज्ड, उसको मैक्सिमाइज खुलवाऊंगा जो मेरी चाइल्ड विंडो होगी, और ओपन विन डॉट MDI पेरेंट इक्वल टू MDI विंडो जो मैं दूंगा तो वो MDI बन जाएगी, और उसके बाद ओपन विन डॉट शो, सही है। तो आपकी वो विंडो शो हो जाएगी। इसी तरीके से इस कोड को कॉपी कर लें, इंस्टेड ऑफ क्लोज सेम आपके पास होगा, बस विंडो ओपन होगी, MDI असाइन होगा और विंडो शो हो जाएगी, ठीक है ना। इसको सेव कर लें। अच्छा, ये काम करने के बाद, क्योंकि ये दो मेथड आपके बन चुके हैं, तो सिंपल आप आएँ अपने MDI के लोड पर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेन क्लास डॉट शो विंडो आ गया। अब इसमें आपसे क्या मांग रहा है, ओपनिंग विंडो एंड MDI। ओपनिंग विंडो मुझे किसको खुलवाना है, फिलहाल मैं लॉगिन को खुलवा लेता हूँ। लॉगिन स्क्रीन ls इक्वल टू न्यू लॉगिन स्क्रीन, आई हैव क्रिएटेड माई ओपनिंग विंडो ऑब्जेक्ट, देन जस्ट गिव हियर ls कॉमा, और इसके बाद यहाँ दे देंगे MDI डॉट एक्टिव फॉर्म, सिंपल। और क्योंकि आप MDI में ही हो तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं दिस, बिकॉज यू आर करंटली इन योर MDI फॉर्म, सही है। तो ये काम करने के बाद लेट्स रन योर प्रोग्राम, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लुक, सो आवर बेसिक स्ट्रक्चर इज नाउ रेडी, और हम सेटिंग की विंडो कैसे खुलवाएंगे उसको भी देखते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे। नाउ व्हाट, वी हैव टू क्रिएट अ सेटिंग्स विंडो जो कि हमारे पास यहाँ मौजूद है। इसको भी आप अपने जो है वो कंट्रोल्स जो है वो इनको सबको एक साथ सेलेक्ट कर लें, और इनकी भी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा सर्वर नेम
जो है वो ये आईपी एड्रेस भी नहीं होता, डेटाबेस नेम भी इतना बड़ा नहीं होगा और यूज़र आईडी और पासवर्ड भी इतना बड़ा नहीं होगा, तो मैक्सिमम 50 इज़ इनफ। अच्छा, इसके बाद आप लोग जो है वो इन सबको एक नाम दे दें, दैट्स माई सर्वर टेक्स्ट, सर्वर टेक्स्ट एंड देन द डेटाबेस टेक्स्ट, डेटाबेस टेक्स्ट एंड दिस इज़ माई यूज़र आईडी, सो यूज़र टेक्स्ट एंड दिस विल बिकम माई पासवर्ड टेक्स्ट, पासवर्ड टेक्स्ट राइट, एंड देन वी हैव दिस इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी चेक बॉक्स, सो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी चेक बॉक्स एंड देन दिस इज़ माई सेव बटन, और इसको आप यहाँ पे सेव बटन कर लें। सो आई हैव गिवन द नेम्स टू माई एवरी कंट्रोल। नाउ वन मोर थिंग आई हैव टू डू हेयर, कॉपी एंड पेस्ट हेयर एंड प्लेस अ लेबल ऑन द राइट हैंड साइड एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग योर सर्वर प्लेस योर स्टैरिक, सो दिस स्टैरिक इज़ वेरी स्मॉल, सो मेक इट्स फॉन्ट साइज टू 15, सो इट विल बिकम ह्यूज एंड देन सेंड इट टू बैक। नाउ लुक, सो वैन यू मेक दिस टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक देन दिस एरर विल शुड डिस्प्ले, लाइकवाइज दिस एरर हेयर सेंड टू बैक एंड पेस्ट एंड पेस्ट राइट, सो आई हैव पेस्टेड दीज थिंग्स, नाउ सेंड टू बैक एंड सेंड टू बैक, सो प्लेस इट अकॉर्डिंगली वन आफ्टर अनदर विद रिस्पेक्ट टू दी लाइन्स वी हैव हेयर, सो आफ्टर दिस ऑल गिव देम नेम एज वेल, दिस इज माई सर्वर एरर लेबल, दिस इज माई डेटाबेस एरर लेबल, डीबी एरर लेबल एंड देन यूजर आई डी एरर लेबल, यूजर एरर लेबल एंड देन वी हैव पासवर्ड एरर लेबल, पासवर्ड एरर लेबल एंड दैट्स इट। नाउ डबल क्लिक ऑन योर सर्वर टेक्स्ट, सो वैन यू रिमूव, सो राइट हेयर इफ सर्वर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, दिस इज द प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट्स एंड सर्वर एरर लेबल डॉट विजिबल इक्वल्स टू ट्रू। आई होप इट इज क्लियर कि भाई अगर सर्वर टेक्स्ट बॉक्स खाली होगा, इफ सर्वर टेक्स्ट बॉक्स इज ब्लैंक देन शो दिस एरर लेबल राइट, एल्स टू सेव स्पेस आई एम राइटिंग इट इन वन लाइन राइट, सो सर्वर एरर लेबल डॉट विजिबल, अगर आपके पास ये खाली ना हो, इफ इट इज नॉट ब्लैंक देन विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स, सो दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन, कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट हेयर एंड वन मोर थिंग यू हैव टू डू हेयर, सिलेक्ट बाय प्रेसिंग कंट्रोल ऑल दीज फोर एंड मेक देम विजिबल फॉल्स, बाय डिफॉल्ट दे आर हिडन राइट। मूविंग फॉरवर्ड ऑन डेटाबेस टेक्स्ट चेंज इवेंट एंड पेस्ट इट हेयर एंड इंस्टेड ऑफ डेटा सर्वर राइट हेयर डीबी टेक्स्ट, सॉरी डेटाबेस, डेटाबेस टेक्स्ट, इफ डेटाबेस टेक्स्ट इज ब्लैंक देन वॉट टू डू, डीबी एरर लेबल डॉट विजिबल एंड कॉपी एंड पेस्ट राइट। आफ्टर दिस यू हैव यूजर आई डी एंड पासवर्ड, बट यूजर आई डी एंड पासवर्ड आर डिपेंडेंट ऑन दिस चेकबॉक्स, ओके, सो लेट मी डू हेयर डबल क्लिक ऑन दिस, सो चेक चेंज इवेंट इज रेज नाउ, इफ एस सी बी डॉट चेक्ड दैट मीन्स यू आर यूजिंग इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू विंडोज ऑथेंटिकेशन, सो वेन यू आर यूजिंग विंडोज ऑथेंटिकेशन, सो यूजर एरर लेबल डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स, ये एरर आना ही नहीं चाहिए, पासवर्ड एरर लेबल डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स एंड यूजर एरर लेबल, सॉरी यूजर टेक्स्ट डॉट इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू, सॉरी फॉल्स, के व्हेन यू चेक योर चेकबॉक्स सो दीज चेक कंट्रोल शुड बी डिसेबल्ड डॉट पासवर्ड इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स एंड वॉट हैपेंड वैन यू रिमूव द चेक फ्रॉम चेकबॉक्स, सो दीज कंट्रोल शुड बी इनेबल्ड अगेन विज इनेबल्ड ट्रू
and then we have password also enabled true. After this, whatever you have to do, when you uncheck or when you check, these text boxes should be clear as well. These text boxes should become clear as well. So what you will do, user text dot text equals to blank, password text dot text equals to blank. Don't worry about single line, I have applied semicolon, so no problem on that, but let me do it so that you can't be confused. So now what will happen when you check this checkbox, these becomes disabled, and when you uncheck this checkbox, these text boxes will be enabled. So double click on user ID and then copy this code and paste here in user text. So when user text is blank, then what will display it? User error label, and then user error label, right? But this will check when, if CB is CB dot checked. अगर आपके पास इस CB checked ना हो, सही है? If your this CB is not checked, then perform this validation. Otherwise, do not perform this validation. सही है ना? अगर आपका जो है वो checked नहीं होगा, तभी तो ये check होगा ना? Otherwise, इसकी ज़रूरत नहीं है. And password, same is the case. Copy this code and paste it here. And if SCB is not checked, भाई ये चीज़ मैं आपको बता दूँ. अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया, we login with SQL with two modes. SQL Server Authentication and Windows Authentication. So when we select Windows Authentication, username and passwords are disabled by default. So that's the case. यहाँ पर भी मैं यही काम करवाना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर check लगाएंगे integrated security पे, that means कि आप Windows Authentication इस्तेमाल कर रहे हैं. Otherwise, आप Windows Authentication नहीं इस्तेमाल कर रहे. तो जब आप Windows Authentication इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर username को validate करेगा. और जब आप विंडो ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल नहीं करें, तभी वो पासवर्ड को भी ऑथेंटिकेट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा. सही है ना? सो आई होप इट इज क्लियर व्हेन यू ऑथेंटिकेट एंड व्हेन नॉट टू ऑथेंटिकेट. नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दिस, कम ऑन योर सेव बटन. नाउ यू हैव टू राइट हियर इफ एस सी बी डॉट चेक्ड. इफ योर चेकबॉक्स इज चेक, देन यू आर यूजिंग विंडोज ऑथेंटिकेशन, अदरवाइज यू आर नॉट यूजिंग विंडोज ऑथेंटिकेशन. सो if checked, else. After coming here, if your checkbox is checked, then that means you are in Windows Authentication. So in Windows Authentication, you need this validation here inside save. So paste it here and then remove this right now, and then you have to select your after user server, then database. Copy this database and here you have to paste. So this is your save button click, right? This is your save button click. अब यहाँ पर आकर एक if extra लगाएंगे, if server error label dot visible or database error label या DB error label dot visible. If any of the error label is visible, right here a message box. But for message box, I'm again going to my main class. Instead of giving message box again and again, I am creating my main global controls here. So public dialog result, this is the result of message box, and show message and string my message and then string type. Okay, so come inside. If type is equal to success, else if type is equal to error. You can create many conditions on this. Now message box dot show, and instead of doing showing message, you write give your parameter the message. Okay, and then the heading will be success, because it is a success message, and then caption, and then message box buttons dot okay, and then message box icon dot information, right? So I have created a message. मैंने एक message box बनाया है, simple. You can write here return
बिकॉज आपने रिटर्न करवाया हुआ इसको। आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे void एंड देन यू डोंट नीड टू रिटर्न एनीथिंग। ओके, तो शो मैसेज जब मैं कॉल करूंगा तो मुझे बस ये दो चीजें पास करनी है, तो मेरे पास सक्सेस का मैसेज शो हो जाएगा। अगर मैं एरर यहाँ पे शो करवा दूं, इसमें अगर मैं एरर दूंगा तो फिर क्या होगा, कॉपी दिस मैसेज बॉक्स पेस्ट हेयर इंस्टेड ऑफ सक्सेस राइट हेयर एरर मैसेज एंड इंस्टेड ऑफ द आइकन राइट हेयर एरर आइकन। ओके, तो आपके पास डिफरेंट आइकन वाला मैसेज बॉक्स आएगा बेस्ड ऑन द टाइप यू विल प्रोवाइड। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, मैंने उसको एक मैसेज एक फंक्शन में डाल दिया है, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, स्टैटिक कर देता हूँ। सो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ेगा। सो कम इनसाइड योर सेटिंग्स विंडो एंड राइट हेयर मेन क्लास डॉट शो मैसेज एंड राइट हेयर योर मैसेज व्हाट यू राइट हेयर फील्ड्स व्हाट एवर मैसेज यू वांटेड टू राइट विद स्टार आर मैंडेटरी राइट फील्ड्स विद स्टैटिक आर मैंडेटरी एंड देन कॉमा द टाइप ऑफ द मैसेज इज एरर सो आई एम प्रोवाइडिंग हियर एरर देन एल्स। सो अब जो आपका काम होगा वो असल में यहां होगा इस एल्स के अंदर जब आप कनेक्शन स्ट्रिंग सेव कराएंगे, और उसके बाद यहां पर आपके पास ये दोनों वैलिडेशंस तो होंगी, कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट हियर दिस एल्स। ये वाला जो एल्स है आपके पास, जब चेकबॉक्स चेक नहीं होगा तो ये चलेगा, इज दैट क्लियर, जब चेकबॉक्स चेक नहीं होगा तो ये चलेगा। और इसके अंदर फिर आप क्या लगाएंगे, यूजर नेम को भी चेक कराएंगे कि भाई यूजर नेम भी खाली तो नहीं है, और पासवर्ड को भी वैलिडेट कराएंगे, वेयर इज माई पासवर्ड, ओके लुक आई हैव डन अ मिस्टेक हियर इन पासवर्ड टेक्स्ट चेंज आई हैव टू गिव योर पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स एंड कॉपी इट सॉरी पासवर्ड एरर लेबल पास एरर लेबल कॉपी दिस कोड एंड पेस्टेड हेयर। तो पासवर्ड एरर लेबल भी लगा लिया हमने, और उसके बाद यहां पर आप क्या करेंगे, अब इस लाइन को आप कॉपी कर लें, कॉपी दिस लाइन बिकॉज दिस इज द वैलिडेशन लाइन, और इसको यहां पेस्ट कर दें और यहां पर आ जाएं, और जिस तरह से मैंने ये कंडीशन लगाई है ये वाली, कॉपी दिस कंडीशन एंड पेस्टेड हेयर एज वेल। सो इफ your database error label visible or your server error label or your user error label dot visible now any of the four is visible isko aap sahi kar le aur password error label dot visible to in mein se koi bhi visible ho to ye error message aata hai otherwise ab yahan pe wo save karwane wala kaam hai now the last thing we have to see here how to save these settings so first of all you have to add here using system dot configuration this is the namespace that you have to add आपके पास एक फाइल होती है जिसका नाम होता है app.config it is an XML file इसके अंदर आप लोगों ने अपने connection string को save करवाना है ताकि आप database connectivity करवा लें तो इसके अंदर save करवाने के लिए आपको जो चीज चाहिए थी वो ये चाहिए थी system dot configuration right अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने इसको यूटिलाइज करते हुए अच्छा अगर ये तरीका काम नहीं किया हमारे पास तो हम दूसरे तरीके से फिर इसको यूज करेंगे तो सबसे पहले तो आप एक काम करें एक स्ट्रिंग बना लें स्ट्रिंग कनेक्शन राइट स्ट्रिंग कनेक्शन इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग कनेक्शन स्ट्रिंग वेरिएबल हेयर यू पुट इट आउटसाइड दिस विंडो दिस मेथड राइट सो मेरे पास यहाँ पे कनेक्शन आ गया अब इस कनेक्शन के अंदर मैं सबसे पहले तो यहां पर आके कनेक्शन इक्वल टू सबसे पहले आप क्या देते हैं डेटा सोर्स कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर अब डेटा सोर्स में डेटा कहां से आएगा टेक्स्ट बॉक्स से आएगा तो क्या मैं लिख सकता हूं सर्वर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट सही है उसके बाद क्या होता है कॉन्कैटिनेशन और मतलब सेमीकॉलन होता है तो मैंने यहां पे कोडिंग के जरिए किया उसके बाद आपके पास क्या होता है इनिशियल कैटालॉग इक्वल्स टू और अब यहां पे क्या आएगा डेटाबेस का नाम वो जो आपका सर डेटाबेस का नाम है तो डेटाबेस का नाम आ जाएगा डेटाबेस टेक्स्ट से और उसके बाद क्या चाहिए आपको सेमी कॉलन चाहिए और क्योंकि आप विंडो ऑथेंटिकेशन में चेकबॉक्स चेक्ड होगा तो अब यहाँ क्या लिखेंगे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू ट्रू सही है और उसके बाद एक और चीज़ लगाएंगे मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स मार्स ताकि आप
एक ही कनेक्शन के अंदर मल्टीपल क्वेरीज को रन कर सकें, मार्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है, आपने इसको ट्रू कर दिया और उसके साथ साथ बस काफ़ी है, यहाँ तक सेमी कॉलन लगा दें। तो हमने एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग जनरेट किया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के आपको दिखा दूँ तो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लुक, सो दिस इज़ हाउ व्हाट आई हैव डन। इसको थोड़ा सा स्पेस दे दें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जिस तरह से आप हार्ड कोड करते हैं अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को, मैंने यहाँ पर इसको कनेक्शन दे दिया है पूरा का पूरा, ठीक है ना। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, कनेक्शन देने के बाद कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर चाहिए हमें, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट, अब देखें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर नहीं आ रही यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर नहीं आ रहा, कंट्रोल डॉट प्रेस करें, कंट्रोल डॉट से भी नहीं आ रहा हुआ, तो फिर हमें जो है वो इसको यहाँ पे रेफरेंसेस में जाके ऐड कराना पड़ेगा। राइट क्लिक, ऐड रेफरेंसेस, और यहाँ पे आप लिखें कॉन्फ़िगरेशन, सही है। तो ये आ गया कॉन्फ़िगरेशन, सही है, कॉन्फ़िगरेशन है और ये भी है, दोनों को आप ऐड कर लें। तो मैंने इनको ऐड करवा लिया, अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर यहाँ पे ऐड हो चुकी है, सही है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, लुक ये सिर्फ गेट कर रहा है। इसी तरीके से जो है वो आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेज, वो किसी तरीके से जो है वो आप सेट भी करवा सकते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो खैर आज टाइम हमारा काफ़ी हो गया है, इसको फिर हम लोग अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह कवर अप करेंगे कि किस तरीके से हम अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में या फिर किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के ऊपर फाइल में सेव करवा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब तक के लिए यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, इसको रन करके भी देख लें कि अब तक हम लोगों ने क्या काम किया है। लॉगिन की विंडो आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट, आप यहाँ पर जो है वो MDI के लोड के ऊपर एक काम करवा सकते हैं, यहाँ पर यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हैं इफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स ऑफ, यहाँ पे आप अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दे दें, लेट्स से कनेक्ट, सही है, और उसके बाद डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू नल। अगर कनेक्शन स्ट्रिंग ना हो इधर, सही है, इस फाइल में ऐप डॉट कॉन्फिग फाइल में कनेक्शन स्ट्रिंग ना हो तो सेटिंग वाली विंडो खोलना, सेटिंग्स ओबीजे इक्वल टू न्यू सेटिंग्स एंड देन मेन क्लास डॉट शो विंडो, और देखें अभी मैं MDI में ही हूं तो ओबीजे कॉमा दिस, तो सेटिंग की विंडो खुल जाएगी। और अगर कनेक्शन मौजूद हो तो, वरना कौन सी विंडो खोल लेना भाई, लॉगिन की विंडो खोल लेना। कनेक्शन मौजूद नहीं होगा तो सेटिंग की विंडो खुलेगी, मौजूद होगा तो लॉगिन की विंडो खुलेगी। लेट्स चेक, अच्छा इसने ऑब्जेक्ट रेफरेंस नल का एरर दे दिया है, इसको एक काम करते हैं डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग जीरो कर लेते हैं और अब चेक करते हैं कि आपके पास, देखें तो यहाँ पर आपके पास बाय डिफॉल्ट लॉगिन विंडो ओपन हो रही है, दैट मींस के डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे। खैर तो फिलहाल टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर आपके पास सेटिंग होगी तो मैं ये करवाना चाह रहा था कि सेटिंग की विंडो खुले, अगर ना हो सेटिंग वरना लॉगिन की विंडो खुले, ठीक है। तो फिर हम इसको अगली क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, इसको ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।